हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स विच इज जनरली रिलेटेड टू द सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। और हम प्रॉब्लम से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे क्या क्या फॉर्मूले हैं विच इज रिगार्डिंग टू द सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमारा आता है दैट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वॉटर स्टोर्ड is equals to basically we can say that is the gamma d upon gamma w multiplied by small d multiplied by 1 that multiplied by fc. basically this fc is what it is, a field capacity. if we are talking about that is available depth of water stored and it is given as gamma d upon gamma w multiplied by d multiplied by that is available moisture. So we already heard about the fc, field capacity, that is available moisture. We all know that the available moisture is basically what? Available moisture is equals to, it is the difference between field capacity minus permanent wilting point. So if we are putting this value inside this, that is FC minus PWP is known as available moisture. Next is what? Non-available moisture. If we want to calculate that is the non-available moisture, depth of water stored is equals to, it is basically dependent on gamma d upon gamma w multiplied by what? It is the depth of water for what? For permanent wilting point. क्योंकि क्या होता है, permanent wilting point के ही नीचे जो भी पानी होता है वो plant क्या करता है, easily extract नहीं कर पाता है. और वी ऑल नो दैट द अवेलेबल मॉइस्चर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एंड वी ऑलरेडी नो दैट फील्ड कैपेसिटी. सो जनरली यदि हमें क्वेश्चन में यदि रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर पूछा हुआ है, दैट इज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, दैट इज आर ए एम, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, देन वी हैव टू कैलकुलेट, अवर फॉर्मूला इज बेसिकली गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, दैट इज multiplied by d depth multiplied by readily available moisture. And we all know that readily available moisture is basically, it is a difference between field capacity minus optimum moisture content, that is the optimum moisture content, OPC, optimum moisture content. Now generally we all know that what is gamma d basically. Here gamma d is basically, it is the dry unit weight of the soil. It is the dry unit weight. ये किसका dry unit weight है? Soil का weight है of soil. And basically gamma w is what? Here gamma w is the unit weight of the water. Unit weight of water. So हम लोग dry unit weight की बात करें, यदि हम लोग gamma w की बात करें, तो यदि हम क्वेश्चन में देखेंगे, यदि मान लीजिए उनने dry unit weight किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, गामा डब्ल्यू यदि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो उसे हम लोग कितने पॉइंट से लिखेंगे, दैट इज द 9.81, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. और यदि हम बात करें गामा डब्ल्यू की, यदि गामा डब्ल्यू जनरली किस में दिया हुआ है, दैट इज इन द केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ, दैट इज गामा डब्ल्यू केजी पर मीटर क्यूब में हम लोग रखेंगे, तो ड्राई यूनिट वेट यदि केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कितना लेंगे, दैट इज द 1000 केजी पर मीटर क्यूब. इसका मतलब जनरली क्या होता है, एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारा कितना केजी वाटर है, दैट इज 1000 केजी, एंड इट इज जनरली हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं. ठीक है, यदि हम मान लीजिए क्वेश्चन में गामा डी की वैल्यू यदि किस में दी हुई है, दैट इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट किससे करेंगे, दैट इज 1 ग्राम पर मीटर क्यूब.
यदि हमें गामा डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर क्या रखना है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में हमें गामा डब्ल्यू की वैल्यू ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दी, गामा ड्राई की वैल्यू दैट इज गामा डी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है सॉइल की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो हम लोग गामा डब्ल्यू की वैल्यू किस में रखेंगे, ग्राम पर मीटर क्यूब में रखेंगे, दैट इज वन। इफ यदि हमें गामा डी की वैल्यू क्वेश्चन में यदि मान लीजिए गामा डी की वैल्यू यदि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दी हुई है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दी हुई है, तो हम इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यदि हमें वो केजी पर मीटर क्यूब में दी हुई है गामा डी की वैल्यू, तो हम लोग गामा डब्ल्यू की वैल्यू दैट इज हम उसको कितना रखेंगे, दैट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जनरली हम लोग इसको क्यों रखेंगे, बिकॉज ऑफ ये रेशियो हमें दिया हुआ है, यदि हम रेशियो को हम लोग यूनिट वाइज नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ये जनरली हमारा क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि रिगार्डिंग है हमारे एक न्यूमेरिकल से। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि कितनी कितनी वैल्यूज हमने कितने फॉर्मूले इनके देखे, ड्राई डेंसिटी दैट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या फील्ड कैपेसिटी की बात करें हम, और गामा डब्ल्यू के हमने रिप्रेजेंटेशन अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। अब हम इसे बेसिकली एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, दैट इज द न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन एट द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आर 0.5 मीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल एंड 0.2 मीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। सो जनरली हमारा जो डेप्थ ऑफ वाटर किसके बेसिस पे दिया हुआ है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी के बेसिस पे भी हमारा डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ है, दैट इज 0.5 मीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, एंड यदि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे हम बात करें डेप्थ ऑफ वाटर की, दैट इज गिवन एज 0.2 मीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यदि हमारा दैट इज गिवन एज ए गामा डब्ल्यू की बात करें हम, तो गामा डी दैट इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल यदि हमें देखें तो इसकी वैल्यू दी हुई है दैट इज 13.73 दैट इज इन द किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है बेसिकली ये देखेंगे हम लोग, तो गिवन में जाएंगे तो दैट इज DW1, दैट इज DW1 यहाँ पर क्या है बेसिकली DW1 डेप्थ ऑफ वाटर एट द फील्ड कैपेसिटी, कितना डेप्थ ऑफ वाटर है फील्ड कैपेसिटी के रिप्रेजेंटेशन में देखें तो दैट इज 0.5। यदि हम दिस इज नोन एज बेसिकली क्या है, ये डेप्थ ऑफ वाटर है जो कि डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, बेसिकली इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी इट इज जनरली इन द पर मीटर, इट इज पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, ये कितना है पर मीटर ऑफ डेप्थ ऑफ सॉइल। सो जनरली अब हम बात करेंगे दैट इज DW2 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर, ये हमारा कितना दिया है 0.2 मीटर, और इसे हम क्या बोलेंगे दैट इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन ये कहां पर है एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे बेसिकली है। यदि हम बात करते हैं यदि क्वेश्चन के बारे में, तो हमें पता है कि दैट इज फील्ड कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी जनरली क्या होती है, इट हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है दैट इज द वेट ऑफ वाटर, दैट इज द वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड विच इज जनरली रिटेन्ड इन सॉइल विच इज जनरली रिटेन्ड इन रूट जोन, इन द रूट जोन, ये कब रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू किसके करस्पॉन्डिंग है जनरली, ये corresponding to field capacity, corresponding to FC, and divided by unit weight, that is the weight of soil, weight of dry soil or unit weight of the soil भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो जनरली हमें पता है कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो यहां पर हम लोग वेट रखेंगे तो वेट क्या होगा that is the density, ऊपर हम किसकी बात कर रहे हैं that is the water की बात कर रहे हैं, और वाटर का ही जो डेप्थ है उसकी बात कर रहे हैं, तो दैट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम जनरली हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर दैट इज DW1 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो DW1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारा क्यों लिखने का तरीका है, बेसिकली जो 1 है हमने क्या किया है यहाँ पर असम्पशन लिया है कि हम एक 1 यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, हम यूनिट एरिया मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं,
हम 1 meter square में कितना डेप्थ ऑफ वाटर हमारा है उसकी बात कर रहे हैं. तो वेट ऑफ वाटर हम जनरली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द गामा. गामा किसका? डब्ल्यू. गामा डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट में हम लोग डालेंगे दैट इज डी डब्ल्यू वन, दैट इज फील्ड कैपेसिटी में कितना डेप्थ ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू इंटू वन. वन बेसिकली यहाँ पर क्या है, यूनिट एरिया है. डिवाइडेड बाई दैट इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. ड्राई यूनिट वेट में क्या समझते हैं, गामा डी मल्टीप्लाइड बाई दैट इज होल डी मल्टीप्लाइड बाई वन. सो बेसिकली होल डी मल्टीप्लाइड बाई वन. अब यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हमें जनरली स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, 1 meter है. 1 meter में हमें पूछा हुआ है जनरली, तो हम 1 meter यहाँ पर पुट करेंगे. दैट इज फर्स्ट हमारा गामा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे हम. हमें पता ही ऑलरेडी है कि यदि क्वेश्चन में यदि मान लीजिए ये गामा डी की वैल्यू यदि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दी हुई है, तो हमें किलो न्यूटन में कौन सी वैल्यू रखना, दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी हमें उसी यूनिट में रखना है जो कि नीचे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज डी 9.81. डी डब्ल्यू वन हमारा कितना दिया हुआ, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई वन डिवाइडेड बाई दैट इज गामा ड्राई. गामा ड्राई की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, दैट इज 13.73 इट इज इन द किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई वन. वन बेसिकली 1 meter डेप्थ में पूछा है, मल्टीप्लाइड बाई वन यूनिट. एंड इसके बाद हमारा जो भी आंसर आता है दैट इज द वैल्यू विच इज करस्पॉन्डिंग टू द 90 दैट इज सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग टू द 0.35.72%. हम परसेंटेज में देखें इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 करें तो उससे क्या होगा, ये 35.72% में आएगा. दैट इज द फील्ड कैपेसिटी. नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. हमें क्या देखना है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट देखना है. तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में हमारा क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर विच इज रिटेन्ड इन द रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई दैट इज ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल या वेट ऑफ ड्राई सॉइल. एंड जनरली हम ये फॉर्मूला देखेंगे दैट इज द वेट ऑफ द वॉटर रिटेन्ड इन द रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट टू द वेट ऑफ द ड्राई सॉइल. And here we write as a permanent wilting point. हमने क्या लिखा, basically the weight of the water which is retained in the root zone, which is generally corresponding, किसके corresponding है वो, that is the permanent wilting point or to the weight of the dry soil. अब basically हम उसे formula में लिखते हैं, तो generally we write as gamma w multiplied by that is the weight depth of water किसके करस्पॉन्डिंग में, WP के करस्पॉन्डिंग दैट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइड बाय वन. सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड बाय द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल दैट इज गामा डी मल्टीप्लाइड बाय दैट इज द डेप्थ ऑफ द सॉइल जिसपे हमें पूछा हुआ जनरली. एंड हियर हम इस सारी भी जितनी भी वैल्यूज इनको पुट करेंगे इसमें, तो दैट इज द गामा डब्ल्यू बेसिकली कितना है, गामा डब्ल्यू यहाँ पर हम लोग कितना देंगे, that is 9.81, that is the 9.81. gamma dw kitna diya hua, that is the 0.2 meter multiplied by 1 unit weight, unit area ke liye hum kar rahe hain, that is 1 divided by gamma d basically yahan par kitna lenge hum log, gamma d basically hum log 13.73 lenge, that is the 13.73 already given hai humko gamma d. जनरली हम देखें तो उसे हम लोग कितने डेप्थ पे निकालते, दैट इज वन डेप्थ वन इंटू वन. सो बेसिकली हमारा क्या आएगा, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दैट इज पीडब्ल्यूपी. पीडब्ल्यूपी हमारा जनरली कितना आ रहा है यहाँ पर, दैट इज 0.01429. दैट इज इसको हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दैट इज द 14.29% ऑफ द परमानेंट विल्टिंग. बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, इक्वेशन से सॉल्व किया है. यदि हम मान लीजिए कोई कंसेप्ट इसमें लगाते हैं, दैट इज इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी यदि हम करें, तो अल्टरनेट मेथड से क्या, बेसिकली जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारा यदि अल्टरनेटिवली हम देखें इसको अल्टरनेटिवली,
तो इसे हम एक मेथड से भी और निकाल सकते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को. जो जनरली जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1/2.5 मल्टीप्लाइड बाई फील्ड कैपेसिटी के. ये किसके इक्वल होता है, 1.25 मल्टीप्लाइड बाई फील्ड कैपेसिटी. और हमने फील्ड कैपेसिटी जनरली कितना निकाला था, दैट इज द 35.72. इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से तो हमारा जो जनरली निकल के आएगा दैट इज 14.29%. एंड दिस इज नोन एज बेसिकली हमारा क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है. यदि हमें बेसिकली क्वेश्चन करना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव मेथड से करना है तो जनरली हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इजिली हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं. यदि हमें क्वेश्चन में फील्ड कैपेसिटी दी हुई है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमें निकालना है और काफी सारी वैल्यूज दी हुई है, लेकिन जहां कंसेप्ट यदि यूज हो रहा है तो हम इससे एक सरल मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं. सो हियर द डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन एट द एफसी इज जनरली 2.5 टाइम्स ऑफ द फील्ड कैपेसिटी. सो दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट थ्रू दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली थैंक यू वेरी मच.